वेलकम टू माय चैनल अर्चनाज आर्टी हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का ये देखिए, ये जो चेरीज होती हैं उसका फ्रूट का डिब्बा है, तो इसको मैं यूज़फुल कुछ बनाऊंगी, इसका चेंज करूंगी, बढ़िया एक टोकरी बोलेंगे, बास्केट जैसा भी रखने के लिए। तो ये देखिए, इसके चारों पुट्ठे के जो मैंने ये चारों काट लिए, ऊपर के जो उसके फ्लैप थे, तो ये देखिए दो तो बीच में लगा दिए मैंने, दो हटा दिए, लंबे वाले नीचे से लगा दिए, नीचे मजबूती आ गई है, चारों तरफ डिब्बा काफ़ी मजबूत है, अच्छा है। तो इसमें अब देखिए, इस मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी पूरा इसको कवर अप करना, ये जो डोरी है इससे, तो इसमें इसको ये देखिए ग्लू गन से मैं स्टिक करूँगी और एकदम जल्दी जल्दी फटाफट होता है काम। देखिए, बनाया मैंने पूरा, नीचे लग गया अच्छे, किनारे पे थोड़ा सा रह गया था तो मैं इसको अलग से फिक्स कर दिया है। ये देखिए, ये तो नीचे का हो गया बेस, अच्छा दिखने में अच्छा दिख रहा है। अब नीचे वैसे जो डिब्बे का पुट्ठा कार्डबोर्ड था वो भी मजबूत था, लेकिन ये जब देखेंगे कोई कुछ किसी को दे रहा है, कुछ गिफ्ट पैक करना है तो ये नीचे इस तरह से अच्छा दिखेगा, इसलिए डोरी लगा दी है। ये देखिए, अब चारों तरफ इसको भी मैं लगा रही हूँ, तुरंत तुरंत लगता है, तुरंत तुरंत सूखता है। ये बनके देखिए बहुत यूज़फुल और बहुत सुंदर आइटम बनके तैयार होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए, और मेरे अच्छा पसंद आए आप तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और प्लीज़ अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमारा मनोबल बढ़ता है और कुछ और अच्छा करने की इच्छा होती है। ये देखिए, चारों तरफ लपेट दिया और ये हो गया पूरा। अब देखिए, अब ये सामने भी जो अंदर डिब्बा दिख रहा है उसको भी कवर अप करेंगे, क्योंकि एज इट इज़ तो नहीं दिखना चाहिए, अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं एक पेपर लूँगी, ये ब्राउन पेपर है मेरे पास, तो ये देखिए फेविकोल लगाया और इसको इस तरह से चारों तरफ लपेट दिया, नीचे लपेट दिया चारों तरफ। एक गोटा है मेरे पास ब्राउन, एक इंच का है ये करीब, तो इसको लगा दूंगी मैं यहाँ पे। ये देखिए चारों तरफ बहुत इजीली और बहुत जल्दी लग के तैयार हो गया। और एक नीचे भी इसकी रो लगा देंगे, एक नीचे लाइन, एक ऊपर, दोनों तरफ लग गया। देखिए कॉर्नर्स में कुछ थोड़ा सा वाइट सा दिख रहा है, तो उसको कवर अप करेंगे और एक थोड़ा फैंसी भी दिखेगा थोड़ा। एक गोटा है, इसी को मैंने किनारे काट के, और ये देखिए थोड़ा सा एक इस तरह से, ये इस तरह से लगा दिया है चारों तरफ कॉर्नर्स पे। एक ब्रास का थोड़ा मेरे पास कुछ रखे हैं पीसेस, बटन जैसा ही समझिए, कुछ भी पीस हैं, ये देखिए चारों कॉर्नर्स पे। और अब ये इधर जो लंबी साइड है, जो रेक्टेंगल है इसमें, तो एक एक दोनों साइड भी इसी तरह से काट के, थोड़ा सा बड़ा इससे काट के लगा देंगे। ये देखिए, और ये बहुत सुंदर और बहुत मजबूत बन गई है, मतलब इसको आप सालों साल यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ रखने के लिए, और उठना वज़न भी लेगा। ये देखिए डिब्बा काफ़ी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग। इसको किसी भी तरह का सामान रखने, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, या अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो धागे हैं, या फिर आप बुनाई करते हैं तो उसमें भी, इसमें सिलाइयाँ और ये जो ऊन वगैरह भी रख सकते हैं, इस तरह से जहाँ भी पास में बैठे कुछ भी सामान रख सकते हैं, इसलिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये जो बास्केट बनी है इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी है, तो जरूर आप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।